देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने 3 दिवसीय यात्रा पर फिजी पहुंचे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी के नाडी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया, जहां उनके साथ फिजी के राष्ट्रपति रातु विलियम मेवलिली काटो निवेरी भी मौजूद रहे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार को फिजी के नाडी पहुंचे। यहां उनका फिजी के शिक्षा मंत्री असेरी रोद्रेरो ने स्वागत किया। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के उद्घाटन मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, विश्व हिंदी सम्मेलन के उद्घाटन के लिए आप सभी के साथ शामिल होना बहुत खुशी की बात है। मैं इसमें हमारे सहयोगी भागीदार होने के लिए फिजी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। हिंदी को बढ़ावा दे रही सरकार। भारत समेत विश्व के कई हिंदी भाषी देशों में हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र की मोदी सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में फिजी में आयोजित 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के मौके पर फिजी के उप प्रधानमंत्री ने कहा, पिछले 8-10 वर्षों में हिंदी के प्रचार प्रसार में जो धीमापन आया था उसको अब गति दी जा रही है। हिंदी को पहले उतनी प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी जितनी दी जानी चाहिए थी, लेकिन हिंदी सम्मेलन में हिंदी को अब बढ़ावा दिया जाएगा और हमारी नई सरकार ने यह निर्णय लिया है कि संसद में भी अब हिंदी भाषा बोली जाएगी। पिछली सरकार ने हिंदी और आदिवासी भाषा पर संसद में बोलने से प्रतिबंध लगा दिया था, हमारी सरकार ने इस फैसले को बदल दिया है। आपको बता दें कि साल 2023 में भारत फिजी के संबंध के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। यही वजह है इस बार विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया जा रहा है। फिजी में हिंदी भाषा बोलने वालों की काफी ज्यादा तादाद है। इस बार के विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। साल 2018 में मॉरिशियस में आयोजित 11वें विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित करने की सिफारिश की गई थी। दुनिया भर से करीब 1200 हिंदी लेखक व विद्वान भाग ले रहे। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन भारत और फिजी सरकार द्वारा फिजी के नाडी शहर में 15 फरवरी से 17 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की यह पहली फिजी यात्रा है, जहां पर इस सम्मेलन में दुनिया भर से हिंदी के करीब 1200 विद्वान व लेखक हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम में भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी मौजूद रहे। सम्मेलन में बेगूसराय के रहने वाले दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित दौलत राम कॉलेज के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर मनीष कुमार चौधरी प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस मौके पर विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन की थीम पारंपरिक ज्ञान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। खगोल विज्ञान से इंजीनियरिंग तक और चिकित्सा से गणित तक दुनिया हमारे पूर्वजों के योगदान का सम्मान करती है। मैं फिजी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस सम्मेलन को फिजी में आयोजित करने पर सहमति व्यक्त की। नए भारत का निर्माण होता देख रहे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी में आयोजित 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के मौके पर कहा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का ही परिणाम है कि हम एक नए भारत का निर्माण होते देख रहे हैं। विदेश मंत्री ने आगे ये भी कहा कि आने वाले समय में भारत का अंतर्राष्ट्रीय महत्व अधिक बढ़ेगा, साथ ही भाषा और संस्कृति की पहले से और ज्यादा अहमियत होगी। पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।